मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम विचार सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ता द्वारा। अंत में उन्होंने कहा कि कौवे की चाल को छोड़कर हंस की चाल में हम कैसे आए। कौवे की चाल क्या है, हंस की चाल क्या है, इस पर कुछ कहने के पूर्व इसी से संबंधित एक उदाहरण याद आता है और उससे मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एक गांव के बाहर एक पेड़ पर एक कौवा और एक कोयल दोनों साथ साथ घोंसला बना करके रहते थे। काफी दिन बीत गए साथ साथ रहते। एक दिन कोयल कहीं बाहर गई थी, लौट कर आती ही तो देखती है कौवा कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। कोयल ने पूछा, कहो भैया क्या कहीं बाहर जा रहे हो। कौवा ने कहा, हाँ बहन, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, इस गांव को छोड़ करके दूर जा रहा हूं। कोयल ने पूछा, क्यों, इस गांव को छोड़ना क्यों चाहते हो। कौवा ने कहा, जहां रहने से सम्मान ना मिलता हो, उल्टा अपमान मिलता हो, वहां नहीं रहना चाहिए। इस गांव में रहते रहते मुझे बहुत दिन बीत गए, किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया, सबने मेरा अपमान किया, इसलिए अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, दूर जाऊंगा जहां मुझे सम्मान मिले। कौवे की बात सुनकर कोयल ने कहा, भैया सम्मान पाने के लिए स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, किंतु स्वभाव बदलने की जरूरत है। जहां जाओगे कर कर बोलोगे, वही पत्थर मारे जाओगे, वही तुम्हारा अपमान होगा। कौवे का स्वभाव, कहीं बैठेगा तो कांव कांव बोलना, और जो कांव कांव कहीं भी जाकर बोलेगा अपमान ही मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। हम लोग मनुष्य हैं, हमें वाणी की शक्ति मिली हुई, वाणी का वरदान मिला हुआ है। पूरी प्रकृति में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास वाणी का वरदान है, वाणी की शक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, इस वाणी का दुरुपयोग आदमी इतना ज्यादा करता है कि पूरी दुनिया में वाणी प्रदूषण फैला हुआ है। वाणी बोलने की कला न जानने के कारण घर घर में तो कलह है ही, कोर्ट में कितने मुकदमे चल रहे हैं। वाणी पर संयम कर ले आदमी तो कोर्ट से बहुत सारे मुकदमे अपने आप खारिज हो जाएंगे, वहां तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी। कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इसकी कला कितने लोगों को है। बस जब जो मन में आया आदमी बकता रहता है, और कई बार बोलने के पश्चात पश्चाताप भी करता है। और कितने लोगों को बोलने के लिए चुप कराना पड़ता है, ये बोलने की कला नहीं है। किसी ने बढ़िया कहा है, ऐसी जगह बैठ कोई न कहे उठ, ऐसी बात बोल कोई न कहे चुप। इतनी सी बात याद कर ले, इसमें कोई बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बहुत विद्वता और शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत नहीं है।
किसी भी बात को बोलने के पहले हम इतना विचार लें, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वही बात दूसरा आदमी मुझे कहे तो मुझे कैसे लगेगा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वही बात दूसरा आदमी मुझे कहे और मुझे गलत लगेगा तो वह बात ना बोलिए, और वही बात दूसरा आदमी मुझे कहता है मुझे ठीक लगती है वो बात तो जरूर बोलिए। बोलने के पहले ये सोचें। सदगुरु कबीर ने कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आल। बात ऐसी होती है, एक एक बात बड़ी वजनदार होती है, बड़ी अनमोल होती है, उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। लेकिन बोलने की कला मालूम हो तब, बोलने की कला क्या है, किए तराजू तौल के तब मुख बाहर आल। हृदय की तराजू पर तौलो, उचित है या अनुचित है, समय के अनुकूल है या समय के प्रतिकूल है, जिससे मैं बात कह रहा हूं क्या वो बात समझने का पात्र है, समझने का अधिकारी है क्या, और वो क्या बात वो आवश्यक है, विचार कर लें। अब विचार करके जब हम बोलेंगे तब हमारी बात बड़ी अनमोल हो जाएगी। यहां हम लोग आए हुए हैं, क्यों आए हैं, संत गुरुजन हमें क्या दे रहे हैं, बात ही तो दे रहे हैं, वाणी ही तो दे रहे हैं, और उनकी बात सुनने के लिए आप इतनी तपस्या कर रहे हैं क्यों, क्योंकि उनके द्वारा ऐसी वाणी हमें मिलती है, ऐसी बात में हमें मिलती है जिसका हम अनुसरण करें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बोलने की कला एक महत्वपूर्ण कला होती है, अनेक कलाएं दुनिया में है लेकिन बोलने की कला मालूम ना होने के कारण कितना पीड़ित है आदमी, अपना पीड़ित होता है दूसरों को पीड़ित करता है। द्रौपदी ने यही तो कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं, बात ही तो है। द्रौपदी ये न कहती तो शायद महाभारत की लड़ाई न होती, लेकिन द्रौपदी ने जब कहा अंधे के अंधे होते हैं, यह बात दुर्योधन के हृदय को एकदम बेध देती है और महाभारत का सूत्रपात हो जाता है। इसलिए कभी भी कुछ बोलना है तो विचार कर ले। सदगुरु कबीर ने कहा है, जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, पार खीसी संग कर गुरुमुख शब्द विचार। अपनी जिह्वा पर ताला लगा दो और बहुत बोलना छोड़ो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एकदम मौन हो जाएं। वाणी मौन है और मन बोल रहा है, भीतर भीतर खौल रहा है, इसलिए मौन होना ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। कहीं चुप रहना अच्छा होता है, गुस्सा जब आ रहा है गुस्से के समय आप एकदम मौन हो जाएं, थोड़ी समय के लिए 5-10 सेकेंड के लिए ही आप गुस्से के समय मौन हो जाएं तो आपके गुस्से का वेग कम हो सकता है। अब किसी ने कुछ प्रतिकूल बात कही, हम एकदम क्रुद्ध हो गए और उसी जोश में बोल गए तो निश्चित ही है विस्फोट होना है।
और जोश में आदमी, गुस्सा में आदमी कब क्या बक जाए कुछ कहा जा सकता है? एक घर में सात बहू में प्रायः खटपट हो जाया करती थी, ये तो घर घर की कहानी है। बहुत कम ऐसे घर हैं जहां सास बहू में मां और पुत्री का रिश्ता हो। समझ लें कि जिस घर में मां, सास और बहू में मां और पुत्री का रिश्ता है, उस घर में स्वर्ग का राज्य है। वहां सबका मन प्रसन्न रहेगा। और सास और बहू में ही कलह है, सास और बहू में ही झगड़ा है, तो फिर नरक तो बनना ही बनना है। बिरले सास ऐसी होती है जो अपने बहू को उचित प्यार दे सक पाती है पुत्री के समान। हर माँ ये चाहती है कि शादी के बाद मेरी पुत्री जिस घर में बहू बनकर के जाए, वहां उसकी सास उसे बेटी के समान प्यार दे। लेकिन उसके घर में किसी की बेटी आई हुई है बहू बनकर, उसे वह पुत्री मान करके प्यार नहीं देती है, तो उसकी बेटी दूसरे घर में बेटी कैसी मानी जाएगी? और माताओं के समझना चाहिए, आपकी बेटी विवाह के पश्चात दूसरे घर चली जाएगी, जब आप बूढ़ी होंगी, लाचार होंगी, जर्जर और बीमार होगी, तो आपकी सेवा करने के लिए आपकी बेटी ससुराल से नहीं आएगी। समाचार सुनेगी कि माँ बीमार है, तो एक दिन, दो दिन, चार दिन के लिए आ जाएगी, फिर कहेगी माँ वहाँ बहुत काम है, घर का कामकाज रुका हुआ है, बिगड़ रहा है, भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, मैं जा रही हूँ। एक दिन, दो दिन देखेगी और चली जाएगी। बुढ़ापा में, बीमारी में, जर्जरता में आपकी बहू ही आपकी सेवा करेगी। और उस बहू से बैर, उस बहू से कलह, बात बात में बहू की शिकायत, बात बात में बहू को डांट, कभी प्यार देना जानती ही नहीं है आप, तो बहू सेवा कैसी करेगी? जो सास बात बात में बहू को डांटती है, बात बात में बहू की गलती निकालती रहती है, कभी प्यार नहीं देती, वो सास समझ ले, एक दिन वह आएगा जब आप बूढ़ी हो जाएंगी, लाचार हो जाएंगी, और घर का मालकिन होगी आपकी बहू। अब जब वो बहू घर की मालकिन हो जाएगी तो सारा कसर निकालेगी। इसलिए बहू को प्यार दें। लेकिन एक बात और, जो बहू अपने सास को दुख देती है, सास का अपमान करती है, सास का निरादर करती है, सास से कटु बोलती है, वह बहू भी कुछ दिन के पश्चात सास बनेगी, तो उसकी बहू उसे वैसा ही व्यवहार देगी। ये तो दुनिया है, जैसा हम करते हैं वैसा लौट करके मिलता है। इसलिए हर सास का एक कर्तव्य है कि अपनी बहू को पुत्री मान करके प्यार दे, और हर बहू का एक कर्तव्य है अपनी सास को मां मान करके उचित आदर दे, उसके प्रति श्रद्धा रखे और भरपूर रूप से समर्पित होकर के उसकी सेवा करे, क्योंकि आपको भी अपने बुढ़ापा में सेवा की जरूरत पड़ेगी। सबको सेवा की जरूरत पड़ती है। मैं ये कह रहा था कि एक घर में सास बहू में प्रायः खटपट हो जाया करती थी, लड़ाई हो जाया करती थी। एक दिन घर का लड़का बाहर गया था और घर में सास बहू में कलह हो गया। जब लड़का घर में आता है काम करके, तब उसकी पत्नी कहती है, आज तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा डांटा, मेरे साथ ऐसा झगड़ा किया, खूब नमक मिर्च लगा करके बताया।
और पत्नी की बात सुन करके लड़का एकदम गुस्सा में आ गया। उसे चाहिए था कि माँ से मिल करके पूछ लेता कि माँ क्या बात हुई, क्यों झगड़ा हुआ है, क्यों ऐसा होता है, लेकिन नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं समझा, पत्नी की बात सही मान लिया और एकदम गुस्से में आ गया। अब सोचा कि अभी जाऊंगा और माँ को खूब डांटूंगा, लेकिन कमरे से जब निकला माँ नहीं मिली, मिल गया पिता। अब लड़का तो गुस्सा में था, तो गुस्से में ही लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी अपनी बीबी को कह दो कि मेरी बीबी से झगड़ा करना बंद कर दे। कि गुस्सा में आदमी कैसा कहता है ये मैं बता रहा था। गुस्सा में माँ पिता की बीबी बन जाती है। गुस्सा जब आता हो उस समय हम अपने को संभाल लें, उस वेग को रोक लें, तो बहुत कुछ गलत कहने से हम बच सकते हैं। और हर आदमी के जीवन में ये बात आती है, हम क्या चाहते हैं ये तो देखें। सद्गुरु कबीर ने इसलिए कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बात बोलें मन का अहंकार छोड़कर, जिस बात को बोलने से हमारा मन भी शीतल हो और सुनने वाले का मन भी शीतल हो। वाणी तो हर आदमी के पास है। अब जो आदमी दूसरे आदमी को मीठा वचन नहीं दे सकता, मीठी वाणी नहीं दे सकता, वो आदमी कितना दरिद्र होगा। आप रुपये नहीं दे सकते, खाने पीने की चीज नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, मीठी वाणी तो दे सकते हैं। आपके पास कोई आता है, प्रेम पूर्वक उससे इतना तो कह सकते हैं, आइए बैठिए पधारिए, कहां से आ रहे हैं, कैसे दर्शन दिए, क्या सेवा करूं। आने वाले का मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, कैसी भी वो गर्मी में चल करके आ रहा हो शीतल हो जाएगा। इतना भी हम नहीं जानते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बात जानते हैं, लेकिन जीवन में जो करना चाहिए वो बात कहां जान पाते हैं। तो बात वहां से चली थी, कोयल ने कहा था, भैया जहां जाओगे कर कर बोलोगे तो वहीं पत्थर मारे जाओगे और वहीं तुम्हारा अपमान होगा। हमारा अपमान, हमारा सम्मान हम स्वयं बनाते हैं, दूसरा कोई हमें अपमान सम्मान नहीं देता है। हम अपने को अपमानित करते रहते हैं, गलत बोलकर, गलत करके और गलत सोचकर। अपने स्वभाव को हम ठीक कर लें, अपने व्यवहार को हम ठीक कर लें, अपने कर्म को हम ठीक कर लें, कहीं भी जाएं हमारे लिए हर जगह सम्मान ही सम्मान। सम्मान की इच्छा क्यों? सम्मान की इच्छा करना भी मन की दरिद्रता है, और यह दरिद्रता आदमी को भटकाती है, आदमी को रुलाती है। सम्मान की इच्छा ना करें, केवल सेवा करें। लोगों को हमारी सेवा स्वीकार होगी तो वे अपने आप सम्मान देंगे। परोपकार करें, लेकिन परोपकार करके भी यह मत सोचें कि दुनिया में मेरी प्रसन्नता होगी। कितने लोग कहते हैं, मैं तो लोगों की खूब सेवा करता हूं, खूब परोपकार करता हूं, लेकिन लोग मुझे आदर नहीं देते। अरे आपका काम है सेवा करना, परोपकार करना, आदर देना दूसरों का काम है, दूसरों के काम को क्यों देखते हो? अपने काम को देखो। आपका काम परोपकार करना, सेवा करना, वही करो बस। दूसरे का काम है आदर देना, उसको देखोगे तो उलझोगे, शिकायत होगी और दुखी रहोगे। ये मत देखो दूसरा आदर देते हैं नहीं देते हैं वे जाने, क्यों इस चक्कर में पड़ते हो।
अपने कर्म को ठीक रखें और जो बन सके दूसरे की सेवा करें, अपने कर्म को सुधार लें, अपने आचरण को पवित्र बना लें। बस जहां जाएं वहां निर्भयता, जहां जाएं वहां सुख, वहां शांति, वहां सम्मान। कहीं भी आप जाएं कोई आप कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस संदर्भ में एक उदाहरण याद आता है, उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, कहानी बना ली जाती है, कहानी में कितनी सच्चाई है और कितने क्या है उधर न जाए। कहानियां तो बनाई जाती है बातों समझाने के लिए। एक कहानी आती है कि जब आदमी अपने आचरण को सुधार लेता है तो कहीं भी जाकर कैसे सुखपूर्वक निवास कर सकता है, जी सकता है। कहते हैं महाराज राम वनवास काल में जब चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि हमें यहां कुछ दिन रहना है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हमें कुछ दिन चित्रकूट में निवास करना है, इसलिए यहां झोपड़ी बनानी चाहिए। लेकिन ये नियम है कि कहीं निवास करना हो तो वहां के राजा से, वहां के मुखिया से आज्ञा ले लेनी चाहिए। तुम जाओ, यहां का जो राजा है उससे आज्ञा लेकर के आओ कि क्या हम कुटी बना करके, झोपड़ी बनाकर यहां रह सकते हैं। राम की बात सुनकर लक्ष्मण आज्ञा लेने के लिए गए। जंगल में भटकते रहे घंटों, घोर जंगल में कौन मिले, कोई आदमी मिला नहीं। थक गए लक्ष्मण, लौटने लगे। तो लौटे तो देखते हैं लक्ष्मण कि एक पेड़ की डाल पर एक मोटा ताजा बड़ा सा बंदर बैठा हुआ है। लक्ष्मण ने सोचा ये जंगल है, यहां आदमी कहां मिलेगा, मान लेता हूं कि ये बंदर ही इस जंगल का राजा है। लक्ष्मण ने उस बंदर से कहा, वानर राज, हम अपने बड़े भाई के साथ इस चित्रकूट में आए हैं, कुछ दिन निवास करना चाहते हैं, क्या हम यहां कुटी बनाकर, झोपड़ी बनाकर निवास कर सकते हैं। जानते हैं बंदर बड़ा चंचल होता है। लक्ष्मण की बात सुनकर बंदर ने क्या किया, बंदर ने एक हाथ से अपनी जीभ को पकड़ ली और एक हाथ अपनी पेशाब इंद्री पकड़ ली और लक्ष्मण को दिखाने लगा, लक्ष्मण को दिखा दिया। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया कि बड़ा बदतमीज बंदर है, तो मजाक करता है, सोचा कि अभी मार दूं इसे। लेकिन सोचा कि बड़े भाई की आज्ञा नहीं है मारने की, इसलिए नहीं मारूंगा। लक्ष्मण आ गए, राम ने पूछा, कहो लक्ष्मण आज्ञा मिली, आज्ञा ले आए। लक्ष्मण ने कहा, भैया घंटों में भटका, कोई आदमी मिला नहीं, लौट रहा था तो एक बंदर मिला और उस बंदर से मैंने पूछा, कहो बानर राज क्या हमें कुटी बना करके रह सकते हैं, तो उसने मेरा मजाक किया, बड़ा बदतमीजी की, एक हाथ अपनी जीप पकड़ ली, एक हाथ अपनी पेशाब इंद्रिया वहां मुझे दिखा दिया, मुझे बड़ा गुस्सा आया, सोचा कि मार दूं, लेकिन आपके आगे से नहीं मारा। तो राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने नहीं मारा तो ठीक ही किया, उस लक्ष्मण बानर ने तो तुम्हें बात बता दी, तुम्हें आज्ञा दे दी है। बानर ने कहा है यदि अपनी जीव को और पेशाब इंद्री को बस में कर लो, कहीं कुटी बना करके रह लो। अब बस यही आदमी के बस में नहीं है, जीव बस में नहीं है, पेशाब इंद्री बस में नहीं है, संसार में सर्वत्र कलह का वातावरण है, सारी समस्याएं यहीं पे पैदा हो रही है। मैं कह रहा था अपने आचरण को, अपने कर्म को ठीक कर लो, चरित्र को ठीक कर लो, कहीं भी जाओ आपको सम्मान मिलेगा। यद्यपि सम्मान की चाहना नहीं होनी चाहिए मन में, सम्मान की चाहना यह दरिद्रता है। सेवा करें और निष्काम रहें। जो सबसे निष्काम रहता है और केवल सेवा करता है उसका मन एकदम भरा भरा रहता है, वो भीतर से बिल्कुल तृप्त रहता है,
उसके मन पे अभाव की अनुभूति खत्म हो जाती है। सेवा और निष्कामता सुख से जीने का ये तरीका है। हम ही कह सकते हैं सेवा और निष्कामता ही हंस की चाल है। वैसे हंस के लिए कहा जाता है कि हंस निरशिर अलग अलग करता है, पानी दूध मिले हुए हों तो दोनों को अलग अलग करके पानी छोड़ देता है और दूध ले लेता है। हम सबको भी ऐसे ही बनना है। बहुत सारी बातें हैं, उसमें सार क्या करना है। जहां है मठ में रहते हो, घर में रहते हो, विरक्ति मार्ग में रहते हो, गृहस्थी मार्ग में रहते हो, सर्वत्र सेवा की जरूरत होती है। क्योंकि अनेकों की सेवा से हमारा जीवन गुजर हो रहा है, अनेकों की सेवा का हम उपयोग कर रहे हैं और अनेकों की सेवा से हमें ज्ञानार्जन हुआ है। जो कपड़ा हमने पहना है पता नहीं किसने बनाया है, किस किसान ने ये कपास पैदा किया, किन मजदूरों ने कपास का चयन किया, किन लोगों ने कपास से सूत काटा, किन लोगों ने कपड़ा बुना, किस व्यापारी के पास कपड़ा पहुंचा और किसने बेचा और कितने हमें दिया। एक कपड़ा के पीछे हजारों हजारों लोगों की सेवा है, हजारों हजारों लोगों की मेहनत है। जो भोजन हम खाए हैं वह अन्न हमने पैदा नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। हमारे जीवन निर्वाह में असंख्य लोगों का सहयोग है, इसलिए हम जहां रहें वहां अपनी श्रेणी शक्ति योग्यता के अनुसार सेवा करते रहें, सेवा परायण रहें। सेवा करने से अपने मन का अहंकार दूर होता है, सेवा करने से अपने मन का कलमश दूर होता है और मन निर्मल होता है। बिना सेवा के मेवा मिलता नहीं है, इसलिए सेवा करें। लेकिन सेवा करते हुए भी निष्काम रहें, देखें दुनिया में आपकी कीर्ति अपने आप फैलती चली जाएगी। उदाहरण याद आता है, रामायण में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन उनमें एक पात्र है हनुमान जी, अत्यंत विनम्र, अत्यंत सेवा परायण। राम का जितना काम हनुमान ने किया है उतना काम किसी दूसरे ने नहीं किया है। सुग्रीव के मन में कामना थी कि मुझे राज्य मिले, इसे सुग्रीव ने सहायता की। विभीषण के मन में भी कामना थी कि लंका का राजा मैं बनूं, इसलिए विभीषण रावण का साथ छोड़कर राम के पास आ गया। लेकिन हनुमान की अपनी कोई कामना नहीं, और जहां भी मुसीबत आती है, जहां भी काम रुकता है, हनुमान ही काम आते हैं। लेकिन देखेंगे आप, कोई कामना नहीं, अत्यंत विनम्र और अत्यंत निष्काम। कहीं फोटो आपको दिखाई होगी राम पंचायतन की, वहां हनुमान सदैव राम के चरणों के पास ही बैठे होते हैं। कहानी है, उदाहरण है, जब लंका का युद्ध समाप्त हो गया, राम लंका से लौटकर अयोध्या आ गए, राम का राजतिलक हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया, तो राम ने सोचा अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से मेरी सेवा की है, अनेक लोगों ने मेरा काम बनाया है, तो अपनी ओर से मैं भी उन लोगों को कुछ न कुछ दे दूं ताकि प्रत्युपकार हो सके। सबको राम ने कुछ न कुछ दिया, सबको अनेक प्रकार का फिर काम का बंटवारा किया, सबको अनेक प्रकार के पद दिए, किसी को कोई पद दिया, किसी को कोई पद दिया, किसी को कोई पद दिया। अंत में हनुमान को पूछा गया, राम ने पूछा, हनुमान ये तुम बताओ कि तुम कौन सा पद लेना चाहते हो। राम ने कहा, भगवान मुझे कोई पद ना चाहिए, केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस इतना पर्याप्त है। राम ने कहा, हनुमान लेकिन मेरे मन को संतुष्टि हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी कोई ना कोई पद ले लो। तो हनुमान ने फिर कहा, नहीं भगवान मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तीसरी बार राम ने फिर कहा, लेकिन मेरे संतोष के लिए तो कोई पद ले लो।
तब हनुमान ने कहा भगवान आप पद देना चाहते हो ना तो मैं पद जरूर लूंगा, लेकिन एक पद नहीं लूंगा, दो पद लूंगा फिर लूंगा। तो फिर राम ने कहा अब हनुमान लाइन में आ गया। तो फिर राम ने कहा चलो मैं तुम्हें दो पद देना चाहता हूं, बताओ तुम कौन से दो पद लेना चाहते हो। तो हनुमान तो बैठे थे नीचे, हनुमान ने राम के दोनों पैरों पकड़ लिया, भगवान यही दो पद मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कितना काम हनुमान ने किया, कितनी सेवा हनुमान ने की, लेकिन निष्कामता कितनी। और आज भारत में राम से भी ज्यादा पूजा हनुमान की होती है। जो निष्काम हो जाता है वो सबका सिरमौर हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। इसलिए काम करें, सेवा करें, लेकिन निष्काम रहें। निष्काम रहेंगे आपका मन अत्यंत शीतल, निष्कामता जितनी बढ़ती जाएगी व्यवहार में उतनी मधुरता आती जाएगी। और निष्काम जब पूरी तरह से निष्काम हो जाएंगे तब इस जीवन में कल्याण और मोक्ष का भी अनुभव आप हम और आप कर सकेंगे। व्यवहार को स्वर्गमय बनाने के लिए, व्यवहार को अमृतमय बनाने के लिए भी निष्कामता चाहिए, और कल्याण के लिए बंधन काटने के लिए भी निष्कामता चाहिए। कामना तो जहर है। ये कौन सी कामना? बाहर से कुछ पाने की कामना। एक कामना ये भी आपके मन में है कि आप कोई ना कोई कामना लेकर यहाँ आए हैं कि वहाँ रतवाड़ा में सत्संग हो रहा है, हम जाएंगे गुरु जी के दर्शन करेंगे, अमृत विचार श्रवण करेंगे, ये भी एक कामना है। लेकिन ये कामना कल्याण के लिए है। जो कामना जीवन में जहर घोलती है वो कामना संसारिक कामना है, वस्तु की कामना, पद की कामना, सम्मान की कामना, और यही कामना भटकाती है। हर आदमी के भीतर अमृतत्व का निवास है, हर आदमी का स्वरूप ही अमृतमय है। हम अमृत पाना चाहते हैं, अमृत पी करके अमर होना चाहते हैं। सुना है हमने कि अमृत पी ले तो आदमी अमर हो जाएगा, लेकिन बाहर ऐसा कहीं अमृत नहीं है। जिसे पी लेने से अमरता मिल जाएगी, अमृत तो आपका स्वरूप है, अमृत तो आपके अंदर है, लेकिन उस अमृतत्व का हमें ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि मन बाहर भटक रहा है, कामनाओं में डूबा हुआ। सद्गुरु कबीर ने कहा है अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, कहीं कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु को जानते नहीं। अमृत जो न मरे वह अमृत, अब वह आपका अपना आपा, आपका अपना स्वरूप, आप खुद अमृतमय हैं, अमृत स्वरूप हैं। शरीर के मरने से आपकी मौत नहीं होती है, शरीर तो मरण धर्मा है ही। सबका शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, और जो चीज निर्मित होती है उसका विनाश अवश्य होता है। तो शरीर के मरने से हमारी और आपकी मौत नहीं होती। जब हमारे वर्तमान शरीर नहीं था तब भी हमारा अस्तित्व था, और जब ये वर्तमान शरीर नहीं रहेगा तब भी हमारा अस्तित्व रहेगा। आप अमर आत्मा हैं, लेकिन अनादिकाल से हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और देह में आसक्त हैं। इस शरीर को ही हम अपना स्वरूप मानते रह जाते हैं, और जितना हम शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं उतना ही हम भटकते हैं, उतना हमारा भवबंधन पुष्ट होता है। शरीर तो एक आवरण है, एक खोल है। जैसे म्यान में तलवार रखी जाती है तो म्यान अलग है और तलवार अलग है, इसी प्रकार शरीर अलग है और
मैं कहने वाला जो तत्व है वो अलग है। उस मैं कहने वाले तत्व को आप जीव, चेतन, राम, ब्रह्म, खुदा, गाड, रूह, सोल जो कहना चाहें वो कह ले। नामों को लेकर के लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि हम जीव, चेतन, रूह, आत्मा कहते हैं वह अलग और शरीर अलग। हम दोनों को एक में जोड़ देते हैं, गड़बड़ी यही होती है। तो अमृत वस्तु जाने नहीं, हम अमृत वस्तु को नहीं जानते, देह बुद्धि बना लेते हैं, और जितनी देह बुद्धि बनाते हैं उतना हमसे पाप शुरू हो जाता है। वैसे इस शरीर को ही मैं मानना, ये कहना कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा स्वरूप है, दुख का मूल कारण यही है और सबसे बड़ा पाप यही है। क्यों आदमी पाप करता है? शरीर को मैं मानकर और इस भावना से कि मैं अधिक से अधिक भोगों को भोग सकूं, देह बुद्धि समाप्त हो जाए तो पाप खत्म। किसी ने सुंदर कहा है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। तो देह अलग और जीव अलग। वो जो जीव है, जो आपका अपना असली स्वरूप है, आपका आपा है, वह अमृत रूप है। प्रश्न हो सकता है, जब वो अमृत रूप है, हम अमृत रूप हैं, हमारा स्वरूप अमृत रूप है, तो हम दुखी क्यों हैं? उस अमृत स्वरूप का, अमृत तत्व का हमें बोध क्यों नहीं होता है? साहब कहते हैं इसलिए नहीं होता है कि तुम्हारा मन दुनियादारी में राग रंग में डूबा हुआ है, दुनिया से सुख पाने के लिए भटक रहा है, दृष्टि बाहर है। कभी अपनी दृष्टि को हम बाहर से लौटाकर अपने आप में केंद्रित नहीं करते हैं तो अमरता का अमृतत्व का बोध कैसे होगा? जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब जरा सोचें, 24 घंटे में कितना समय आप अपने लिए निकालकर आत्मअनुसंधान करते हैं, अपने को कितना समझते हैं, भीतर अपनी दृष्टि को कितना लौटाते हैं? जब से नींद खुलती है तब से लेकर के मन बाहर ही तो भटकता रहता है। कभी एकांत में बैठकर अपने को समझने का प्रयास ही नहीं करते, अंतर्मुख होने के लिए साधना ही नहीं करते, तो अमृत तत्व का बोध कैसे होगा? इसलिए बाहर भटकते हुए मन को लौटाएं, दुनिया का जो काम है करें, लेकिन काम करते हुए भी मन को अपने अंतरात्मा में, राम में, आत्मा में लगाएं। कर से काम, मन से राम, कहे कबीर सरे दो काम। सदगुरु कबीर कहते हैं कर से काम, हाथ से दुनिया का काम धंधा व्यवहार करो, करना पड़ेगा, बिना करे जीवन नहीं चलेगा। लेकिन काम करते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी मन को राम में लगाओ। दुनिया को हम चाहे कितना भी अपने से चिपका करके रख लें, दुनिया कभी हमारी हो नहीं सकती, किसी की नहीं हुई है और किसी की नहीं होगी। कितना भी हम दौड़ लें, कितना भी हम दौड़ लें, कितना भी हम दौड़ लें, दुनिया कभी हमारी होगी नहीं, एक दिन छूट करके ही रहेगी। किसकी हुई है दुनिया? और उस दुनिया के पीछे हम रात दिन भाग रहे हैं, दुनिया को अपने बस में करना चाहते हैं, इसीलिए तो राम का अनुभव नहीं होता है। तो दुनिया का काम करो, दुनिया के काम को जपो मत, दुनिया में मन को उलझाओ मत, मन को लगाओ राम में। इल्लाते कर से काम,
हाथ से काम करो, व्यवहार करो, लेकिन मन को राम में लगा। ये सोचो कि मेरा स्वरूप अजर अमर अविनाशी अखंड शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, मैं तो तृप्त स्वरूप हूं, क्यों मैं बाहर भटकूं। यदि कोई राजा कोई सम्राट गांव गांव भीख मांगता फिरे, घूर में दाने दाने बीन करके भूख मिलाना चाहे तो कितना दुर्भाग्य होगा। सम्राट जो पूरे देश का राजा है, अपने उस सम्राटत्व को भूल करके घूर में दाने बीन रहा है, एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहा है, ये क्या दुर्भाग्य नहीं है? और हम लोग यही कर रहे हैं। सम्राट होकर सहनशाह होकर भीतर से तृप्त कल्याण रूप होकर विशेष सुख का दाना बीन रहे हैं और उससे अपने को तृप्त करना चाहते हैं, कैसे हो सकता है? यह कभी संभव नहीं है। इसलिए दुनियादारी में भटकते हुए मन को अपनी तरफ लौटाएं, मन को कहां लगाएं? राम में लगाएं। जब मन बाहर से लौट करके आत्मकेंद्रित तो हो जाएगा, बाहर की जो इच्छा लगी हुई है, कामना लगी हुई है, ये मिट जाएगी, अमरता का अमृतत्व का अनुभव हो जाएगा। ताकत है कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। यदि जीव कामना का त्याग कर दे, विषय कामना का त्याग, सम्मान कामना का त्याग, पद कामना का त्याग, सुख कामना का त्याग कर दे, तो फिर जीव मरण नहीं, मरेगा नहीं, जैसा ये अमर है वैसा अमर का अमर ही रह जाएगा। तो हमारा स्वरूप आपका स्वरूप अमृतमय है और हम लोग जहर का अनुभव कर रहे हैं। क्यों करते हैं? बाहर भटकने के कारण। बाहर क्या मिलेगा, किसको क्या मिला है? केवल चाटा मिलता, केवल पीड़ा मिलती, केवल दुख मिलता है। इसलिए बाहर न भटके। मोक्ष पाने के लिए नहीं भटकना है, परमात्मा पाने के लिए भी नहीं भटकना है, सुख पाने के लिए भी नहीं भटकना है। भटकाव का मतलब पीड़ा, इस भटकाव को दूर करें। तो गौरव जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है। तो मैंने शुरू किया था वहां से कि हमें प्रकृति की ओर से वाणी का अनुपम वरदान मिला है, उस वाणी का हम सही ढंग से प्रयोग करें, उचित बोले, आवश्यकता अनुसार बोले और उचित शैली में बोले। और मैंने कहा था बोलने के पहले ये हम देख लें कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वही बात दूसरा मुझे कहेगा तो मुझे कैसे लगेगा, इतना विचार कर ले, कभी कोई गलत बात हमारी जबान से नहीं निकलेगी। और गलत बात जबान से नहीं निकलेगी तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े कलह कटुता अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, सेवा करें और निष्काम रहें। सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि दुनिया से हमारी सेवा हो रही है। सेवा करें और निष्काम रहें। जहां कामना होगी वहीं शिकायत होगी, वहीं पश्चाताप होगा, दुख होगा। तीसरी बात, अपने कर्मों का सुधार करें। कर्म ही का सुधार ही सबसे बड़ी पूजा है। और चौथी बात, बाहर भटकते हुए मन को शांत करके अपनी तरफ लौटाएं। जब मन बाहर से लौट करके आत्मकेंद्रित हो जाएगा तब हमें अमृतत्व का, अमरता का, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा।